क्या हुआ है? तो ध्याना बाजी दो पड़ी है अब, क्योंकि सामान कुछ रात जा चुका है और कुछ अब जाना है। मैंने कहा, दिल से तो दूर नहीं हम, और वैसे ही वहां मैंने कहा इतना सफर नहीं है, आते जाते रहना वहां पे, क्योंकि मैं तो खुद का कल से दो दो क्या मतलब बुरा हुआ पड़ता, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ कि बस बैठ जाती हूँ। और रहना बाजी जो उनसे वो लगी हुई है काम में, वो ही मिलजुल के काम करवा रही है। चुप कराओ कैक्शा आंटी को। हाँ हम आया करेंगे, आप भी आया करना। बस हंस के दिखा रहा हूँ। तो मेरे मेरे बहन भाई क्या चल रहा है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो जी ये पंखे भी हमारे उतर चुके हैं यहाँ से, और ये घर हमने बिल्कुल खाली कर दिया हुआ है। थोड़ा सा सामान है वो भी अब उठा रहे हैं, ये कैश है इकरा। तो बहुत उदास है कि नाना बाजी भी रो पड़ी है, और बहुत दुख हुआ मुझे कि हम जा रहे हैं और बाजी रहना क्या, हम तो खुद भी रो रहे हैं। कैशा भी ये उतारनी है, ठीक है ना? और कैशा ये पंखे के आगे खड़ी हुई है, यहाँ पे ऊपर वाला पंखा उतार दिया हुआ है। ये रूम भी बिल्कुल खाली हो चुका है। पूरा घर विदान हो चुका है, बस ये टेबल पड़ा हुआ है यहाँ पे, और रैना बाजी ये फिर रही है, बच्चे ये खड़े हुए हैं, घर आज हमारा बिल्कुल खाली है। और आज इस घर में हमारा हमारी आखिरी वीडियो हो गया खाली, अब निकलते हैं यहाँ से एक बिजली का और एक गैस का बिल ले लेना, चले ताकि मुझे भरने में आसानी रहे। सही हो गया। तो एडवांस तो उनके पास है ना? एडवांस है, वो देखूंगा तो सही ना मेरे को बिजली का और गैस का बिल कितना। चले ठीक हो गया, उसके लिए भी तो चाहिए ना। ऐसे ही घर हो गया हमारा, पूरा घर ये है, टेबल का सामान यहाँ से कुछ रात पहुंच गया, कुछ अब पहुंच गया, अब हमारी भी जाने की तैयारी है। तो देख रहे पैसा भी हमारा जाया जाता और रहने भी नहीं देते, ऐसे मालिक मकान से तोड़ के फिर बंदे बने हुए हैं, हम कुछ नहीं कह सकते ऐसे लोगों के। तो अब इसका दरवाजा बंद कर देते हैं। दादी मम्मा इसका जी ये रूम भी बिल्कुल खाली है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इस जगह पे हम घर बैठ कर और मैं भी चल रही हूँ अपने सामान को बहुत ज्यादा। तो मैं आवाज को बहुत गूंज रही है कमरे में, क्योंकि खुद खाली हो चुका है, और अब आप क्योंकि इस कमरे का भी दरवाजा बंद कर देते हैं। ये एलईडी रखी हुई है यहाँ पे, वो भी खा लेते हैं। दोनों कमरों के दरवाजे मैंने बंद कर दिए हुए हैं। खुदा हाफिज। जाने नहीं, साथ नहीं जा रही है मदद? नहीं फिर आती नहीं, अब साथ चलो ताकि घर भी देख लोगे, पता भी चल जाएगा घर का, और इसलिए आना जाना भी रहेगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, अब मेरी बहन है, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। तो बाकी हम कुछ नहीं कह सकते, तो बहन भाई आप देख सकते हैं जो मैं इतनी इतनी बातें करते थे कई बहन भाई, तो मेरा उन्हें यही पैगाम है कि देख रहे हम क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से, सिवाय सम्मान और कुछ भी नहीं। और जब हम दुनिया के जाएंगे, दुनिया से जाएंगे, फिर तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, हमारा अमाल नामा जाएगा, जो हमने दुनिया में अच्छा काम किया होगा, जो हमारा अमाल होगा वो साथ जाएगा। घर के बैठ गए क्या करें बेटा, बस थक गया हूँ मैं भी, तंग आ गया हूँ जिंदगी से, जो किराएदारी की जिंदगी है से तंग आ गया हूँ, क्या करूँगा मैं भी मजबूर। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा ना कि हमें ये चीज दे, हमें वो चीज दे, जो हमारे नसीब में है वो मिलता है, लेकिन मैंने तो कभी जिद नहीं की ना कि मुझे मकान बनवा कर दे, मुझे ये दे। तो बहन भैया मैं आप सबको बता दूं, मैं खुद एक बहुत अमीर घराने से मेरा ताल्लुक है, हम दोनों गई, लेकिन जब इन
हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ मजबूरी ऐसी होती है, मजबूरी है कि जिनके मुतल्लिक ना किसी से बात की जा सकती है ना किसी से कुछ कहा जा सकता है। खुद हम बाहर जा रहे हैं, अब घर टोटली खाली हो चुका है। रियाना बाजी एलईडी लाई अंदर से उठा के, ताला खुद हम लगा रहे हैं अब घर का। इस इलाके को बाय बाय कह दिया हुआ है और जा रहे हम सब अब उधर घर की तरफ। यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे तो घर पहुंचेंगे दूसरे। ये रास्ते ये छोड़ कर जा रहे हैं और सब कुछ याद आएगा कि जहाँ पे हमने 13 साल गुजारे इसी मोहल्ले में। लेकिन घर बेशक अलग अलग होते थे लेकिन मोहल्ला यही था, गलियां यही थी। बच्चे आते ही फ्रेश होना शुरू हो गए हैं, घर में हम पहुंच गए यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो दिखाएंगे अपना घर आपको टोटल सारा। हाँ जी, सेटिंग हो जाए घर की फिर इंशाल्लाह मुकम्मल घर आपको दिखाएंगे कि हमारा घर कैसा लगा आपको कैसा नहीं। जनाब आप क्या करने लगे अब? पंखा देखो अगर आज की डेट में हमसे फिट हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा। ये जरा अपने चश्मे उठाना है यहाँ से, आपकी मेहरबानी। अच्छा ये भी चुप ना।